ये आश्रम इतना बड़ा डेवलप, ये सत्संग उनको बना नहीं था। मुझे रुकने का कहा और मेरे से तो बात नहीं कर रहे। काफी देर हुई, उसके सिर पर पानी की एक बाल्टी पड़े तो सर्दी जुकाम हो जाता। उसने सोचा अब मैं जीवूंगी कि मरूं। उसने कहा कि मैं बापूजी की करुणा कृपा को न समझ पाए। बाद में वो फूट फूट के रोने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश इनों को एक साथ रिझाना हो तो सदगुरु को रिझा ले। इन प्रसंगों से हमको पता चला कि जिन्होंने जिन्होंने अपने गुरु को रिझाया, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके चरणों के दास होंगे और अपने को अहोभागी समझते। आज से करीब 35-40 साल पहले की घटना, ये आश्रम इतना बड़ा डेवलप, ये सत्संग हॉल तो बना नहीं था। बापूजी की कुटिया थी उधर और सामने छोटा सा सत्संग हॉल बनता। इंदिरा गुलवाणी नाम की एक शिक्षिका, उसको सुबह मन में हुआ कि आज मैं बापूजी के दर्शन करके फिर स्कूल में जाऊंगी सर्विस करने। वो सामने नदी से पैदल, बीच में नाव रखते थे आने जाने वालों के लिए, नदी से इधर आई। बापूजी उस समय 25-30 भक्तों के बीच सहज सत्संग हरिचर्चा कर रहे थे। उस इंदिरा गुलवाणी ने भी बापूजी को प्रणाम किया। बापूजी ने कहा रुकना, फिर दूसरे भक्तों से बातें करने लगे। अब वो शिक्षिका थोड़ा कुछ अहम होगा, मैं पढ़ी लिखी हूं, मुझे रुकने का कहा और मेरे से तो बात नहीं कर रहे। काफी देर हुई तो वो चलती बनी नदी पर। फिर बापूजी ने सेविका को कहा, उसको बुला। वो नदी पार ही कर रही थी, वापस बुलाया। फिर बापूजी दूसरे भक्तों से बात करने लगे। उसको हुआ मुझे बुलाते हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे, वापस गई। फिर बापूजी ने सेविका को कहा कि उसको बुला। ऐसा 3 बार हुआ। वो थोड़ी तनिक रुष्ट हुई, मैं आती हूं मुझसे बात नहीं करते, मैं इतना जाती हूं फिर बुलाते। अब उस लड़की को 22-25 साल की होगी, उसके सिर पर पानी की एक बाल्टी पड़े तो सर्दी जुकाम हो जाता था। उसको ठंडा पानी सहन नहीं कर पाती थी। अब 3 बार बापूजी ने कहा तेरे को बुलाया, मुझसे पूछे बिगर गई। सेविकाओं को कहा कि इसको पकड़ो और इसके सिर पर 30-40 पानी की बाल्टी डाल दो। जो एक बाल्टी पानी की सहन न कर सके, सेविकाओं ने गुरु आज्ञा मानकर उसके सिर पर 30-35 बाल्टियां पानी की धमाधम। अब वो छटपटाए, गुस्सा हो गए, क्या कर रही है, कुछ का कुछ बोले, लेकिन यहाँ गुरु की आज्ञा, बापू की आज्ञा, साई ने बोला इसके सिर पर पानी धार करो। उसने सोचा अब मैं जीवूंगी कि मरूंगी, एक पानी की बाल्टी में सहन नहीं कर पाती ठंडे पानी की, आज 35 बाल्टियां मेरे सिर पर। आप सबको आश्चर्य होगा, उसके बाद उसकी बचपन से लेके अभी तक की सर्दी जुकाम की पुरानी बीमारी हमेशा के लिए गायब हो गई। ऐसा जादूगर कोई जादू नहीं बता करता। ब्रह्मज्ञानी की गत में तो ब्रह्मज्ञानी जाने मेरे आश्रम का 35-40 बाल्टी पानी गया तो गया, उसकी बीमारी मिटा दी बापूजी ने। करुणा निधान गरीब निवाज, उसने कहा कि मैं बापूजी की करुणा कृपा को न समझ पाई। बाद में वो फूट फूट के रोने लगी कि गुरुदेव आप, आपकी महिमा अपरंपार है, आप मेरा इतना हित चाहते थे, मैं न समझ पाई। मैं सपने में कल्पना नहीं कर सकती थी, एक एक कदम चलकर संत के गुरु के द्वार पर हम जाते हैं,
जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम चलकर हम गुरु के द्वार पर जाते हैं, करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य होता है। वो ब्रह्मज्ञानी संत अच्छी तरह से जानते हैं। आप उनको कहो न कहो, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। वे परम से स्नेह रखने वाले प्राणी मात्र के अंदर अपने हरि को निहारने वाले को ब्रह्मज्ञानी संत। वो सबका मंगल ही चाहते, सबका भला ही चाहते।